नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से विदेशी एनएम 10709 केस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। क्योंकि नाइट में लोग लाइव आके ये आपको जानकारी दे रहा था, जो 13 सितंबर को हम लोग को केस की सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी। क्या सच्चाई है, चलिए इस वीडियो में बता रहे हैं। और अभी अभी अंजू जी मैसेज के माध्यम से 32,127 एनएम बहनों को केस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, और आज 12 बजे सुरजीत सर लाइव भी आने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो विदेशी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बता रहे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अंजू जी जो मैसेज की है वो मैसेज हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए, जो 25 अगस्त को पटना में हम लोग को मीटिंग हुआ था, जिसमें हमारी 3800 जिला के एनएम सिस्टर भाग ली थी। बहुत सारे लोग 5500 रुपया सहयोग राशि के रूप में दिए थे। तो जो जो 5500 रुपया दिए थे, देखिए उनका स्पष्ट रूप से हम आपको बताते हैं, जो स्पुटनिक कार्ड अभी नहीं जमा हुआ, जो 2000 3000 4000 दिए हैं, उन सभी लोगों को स्पुटनिक कार्ड फाइल में लग चुका है, ठीक है, उन लोग को जमा हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट 500 दिए हैं, कम से कम आप लोग 1000 रुपया और दे दीजिए, क्योंकि अभी ये अंजू जी मैसेज के माध्यम से जानकारी दी है, समझे कि नहीं। जो भी हमारी एनएम सिस्टर 500 ही सहयोग राशि दी है। देखिए लोग क्या करता नहीं करता उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो जो जो 5500 रुपया सहयोग राशि किए हैं उनको 500 और देना पड़ेगा, कम से कम 1000 2000 आप सहयोग राशि नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को स्कूटनी कार्ड नहीं निकाला गया, फाइल में नहीं लगाया गया, ठीक है। ये अंजू जी मैसेज के माध्यम से जानकारी दिया, तो सभी लोग 5500 और सहयोग राशि दे लीजिए, ताकि आपका भी स्कूटनी कार्ड निकाल के फाइल में लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आज सुरजीत सर 12 बजे लाइव आ रहे हैं, और सुरजीत सर आपको ये जानकारी देने वाले हैं, जामन लेखी सर को हम लोग रखे या नहीं रखे, 13 सितंबर को केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये जानकारी और भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी अपडेट निकल के आई है, जैसे काउंटर एफिडेविट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे थे, जो अभी तक काउंटर एफिडेविट क्यों नहीं जमा हुआ, सर सीबीटी क्वालिफाइड भी जमा नहीं किए, सर हम लोग भी जमा नहीं किए, क्या सर हम लोग की तरफ से अमन लेखी सर बहस नहीं करेंगे, क्या सर 13 सितंबर को सुनवाई न हो, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे सुरजीत सर 12 बजे लाइव आ रहे हैं, ठीक है। सुरजीत सर के साथ साथ हमारे टीम के बहुत सारे मेंबर हैं जो लाइव आएंगे, इसलिए आप लोग 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। सभी लोग समय आप लोग अपना काम धंधा कर लीजिए, हर चीज कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन 32,127 एनएम बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने जा रही है, इसलिए क्योंकि आज एक एक जानकारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे सुरजीत सर आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहा है, हमें पता है, ठीक है। तो सारे सवाल के जवाब हमारे सुरजीत सर देने वाले हैं, इसीलिए जो भी ये स्टूडेंट आज 12 बजे लाइव नहीं जुड़िएगा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, इसीलिए आज 12 बजे सबको लाइव जुड़ना है, जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, समझे कि नहीं। और 12 बजे समय लाइव आना नहीं भूलेंगे, और जो अंजू जी मैसेज के माध्यम से जानकारी दी है उस पर स्क्रीन पर हम लगा दिए, उस पर भी आप लोग को ध्यान देना, क्योंकि जो जो 5500 सहयोग राशि किए हैं वो लोग 500 कम से कम और सहयोग राशि कर लीजिए, ताकि आपका भी स्कूटनी कार्ड निकाल कर फाइल में लगा दिया जाएगा, ताकि आपका भी स्कूटनी कार्ड सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। नहीं तो बाद में केस क्लियर होने के बाद हो सकता है जितना स्कूटनी कार्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है उसी का काउंसलिंग होगा आप लोग का, हो सकता है तो नहीं होगा, क्योंकि लाइव टेक्निशियन में ऐसा ही हुआ, ठीक है, और वही लीडर केस ये भी लड़ रहा है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हम कह रहे नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो फिर उस समय क्या कीजिए, फिर अलग से आप एडवोकेट को खोजिए, फिर अलग से एडवोकेट को हायर कीजिए, उसके बाद से कितना वो पेमेंट लेंगे नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है जो अभी एक साथ सभी लोगों को, सभी एनएम सिस्टर को स्कूटनी कार्ड जमा हो जाएगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी हमारी एनएम सिस्टर, जो भी भाई बंधु या गार्जियन मेरे साथ जुड़े हैं, जिनका भी अभी तक स्कूटनी कार्ड जमा नहीं हुआ है, कृपया आप लोग आज हर हाल में स्कूटनी कार्ड और सहयोग राशि भेज दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को स्कूटनी कार्ड नहीं जमा हो पाएगा। और जो लोग भी 500 सहयोग राशि की है, कम से कम आप 500 और कर लीजिए, ताकि आपका भी स्कूटनी कार्ड निकाल कर लगा दिया जाएगा, ठीक है। और समय 12 बजे आप लोग लाइव आना नहीं भूलेंगे, क्योंकि 12 बजे अगर लाइव नहीं आएंगेगा तो फिर हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और आप इन्फॉर्मेशन के अभाव में अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे,
इसीलिए सभी लोग सौ समय 12 बजे लाइव आना नहीं बोलेंगे। जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सुरजीत सर के साथ साथ सुरजीत सर के सभी टीम मेंबर आज लाइव आने वाले, एक एक करके सभी आपको जानकारी देने वाले सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग जो है ना नेगेटिव चीज अभी सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, सभी के मुद्दों जवाब देने के लिए हमारे सुरजीत सर लाइव आ रहे हैं। इसीलिए सभी लोग 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे, ठीक है। सौ समय आप लोग तैयार रहेंगे, 12 बजे लाइव आप लोग आना नहीं भूलेंगे, और जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।